उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बीते 72 घंटों में किसी मकान में नई दरार देखने को नहीं मिली है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तथास्तु होटल की दीवारों में आई दरारें सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आफत लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार शाम को जोशीमठ के नए इलाके में दरारें देखी गई हैं, जहां अभी तक दरारें नहीं थी। ये दरारें होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू से 1.5 किलोमीटर दूर, यानी कि खतरा अब जोशीमठ के 9 वार्डों तक ही सीमित नहीं रह गई है। यह दरारें अब दूसरे इलाके में भी फैल गई हैं। जोशीमठ के खतरनाक करार दिए जा चुके दोनों होटलों को गिराने का काम तेज कर दिया गया है। कड़कड़ाती ठंड में भी होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आज दोनों होटल जहां पर झुककर एक दूसरे से मिले हुए हैं, उस हिस्से को तोड़कर अलग किया जाएगा। होटलों के ऊपर का 3 सेट गिरा दिया गया है। अब कॉलम, लिंटर और पिलर को छेनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। ओली में हुई बर्फबारी और जोशीमठ में हो रही बारिश यहाँ के लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। जेपी कॉलोनी में फूटे झरने से पानी का रिसाव एक बार फिर तेज हो गया है। इस झरने के ओरिजिन का पता अब तक भूगर्भ वैज्ञानिक नहीं लगा सके हैं। 24 घंटे में मटमैला पानी कहां से आ रहा है, कोई भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका है। इस झरने का बढ़ता पानी और नए इलाकों में आई दरारें एक बार फिर लोगों को डराने लगी है। लोगों को डर है कि कहीं पानी के बढ़ते रिसाव का असर दूसरे इलाकों पर न पड़ने लगे।